आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करिप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली को करेंगे संबोधित। रेलवे परीक्षा के विरोध में बिहार बंद, हाजीपुर समस्तीपुर समेत कई जगह पर प्रदर्शन। खार सर ने यूट्यूब पर छात्रों से की शांति की अपील। विक्रम सिंह मजीठिया आज सुबह 11 बजे अमृतसर से नामांकन करेंगे दाखिल। श्वेता तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, भगवान को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। आज मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और करेंगे संबोधित। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में भाजपा कांग्रेस जनता को अपनी अपनी पाली में लाने के लिए जान लगा रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक भी मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह पौड़ी चमोली जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के करीब 9,000 कार्यकर्ताओं से वर्चुअली बातचीत करेंगे। उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट बनी लालकुआं विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रावत का जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि वो यहां जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लालकुआं विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के तौर पर स्थापित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और विकास की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भाई और बहनों से आशीर्वाद मांगने आया हूं और ये आशीर्वाद कांग्रेस के साथियों के साथ मांगूंगा, उनकी ओर से मांगूंगा। तो मुझे पूरा भरोसा है सब एकजुट होकर के काम करेंगे। निश्चित एजेंडा है इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए और उत्तराखंड की भलाई के लिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। नामांकन के चौथे दिन गुरुवार को 263 प्रत्याशियों के नामांकन किए। इनमें गढ़वाल मंडल के 158 और कुमाऊं मंडल के 105 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं अब तक प्रदेश में कुल 428 नामांकन दाखिल किए गए हैं। गुरुवार को नामांकन कराने वालों में मुख्य रूप से खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गंगोत्री विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल, ऋषिकेश से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल शामिल किए गए। लालकुआ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट के घर पहुंचने पर सैकड़ों समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी मोहन बिष्ट का माल्यार्पण करते हुए उनको बधाई दी। वहीं इस दौरान डॉक्टर मोहन बिष्ट ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है जो भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक साधारण कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और मुझे विधायक प्रत्याशी बनाया है। आगे उन्होंने कहा कि वो इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को विधायक का टिकट दिया है। मैं अपने नेतृत्व को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं उनकी विश्वास को उसको बनाए रखूंगा और भारी मतों से इस चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे। और चूँकि मैं लंबे समय से जन सरोकारों से, जन संघर्षों से जुड़ा हूँ, मुझे इस विधानसभा की प्रत्येक समस्या का और प्रत्येक गाँव में हर वस्तु स्थिति का मुझे जानकारी है। मैं एक बार एक ठोस कार्य योजना बनाकर पूरी विधानसभा का सर्वांगीण विकास करूं। रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी विधायक आदेश चौहान ने ज्वालापुर के मोहल्ला चौहान सीतापुर क्षेत्र में जनसंपर्क करके लोगों से भाजपा प्रत्याशी को वोट की अपील की। वहीं इस दौरान विधायक आदेश चौहान ने बताया कि अब की बार उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 60 से ऊपर सीटों पर जीत हासिल करेगी। निश्चित आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे
लोग ये बोल रहे हैं कि हम तो मोदी के साथ हैं, हम तो गांधी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, तो बहुत ज़बरदस्त लोगों के अंदर उत्साह है और मैं समझता हूँ कि भगवान श्री राम की कृपा है और मोदी जी के कामों का असर है जो सब सर्वत्र दिखाई दे रहा है और जनता में जिस तरह का उत्साह है गुजारी से विधानसभा इस बात ऐतिहासिक बनाने वाली है और एक विकास हरिद्वार की खानपुर सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुभाष चौधरी ने नामांकन पर्चा दाखिल करा जिसके बाद समर्थकों ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान सुभाष चौधरी ने कहा कि जनता भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान है और बदलाव चाहती है, यही वजह है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि खानपुर की जनता मुझे विधायक के रूप में देखना चाहती है। ये मेरी तरफ से यही संदेश है कि मैं जनता के बीच में जाके जनता के वादों को पूरा करूंगा, जो जनता की अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। विधानसभा खानपुर को किस तरह से देखते हैं? वहाँ तो पहले से ही भाजपा भी विद्वान है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं, अब मजदूर विधानसभा खानपुर विधानसभा में देखिए कांग्रेस का परचम लहराया जाएगा, कांग्रेस का वहाँ से जो है कांग्रेस के सामने वहाँ किसी का कोई जो है कुछ नहीं चलने वाला है, वहाँ से कांग्रेस का विधायक ही जीत के आएगा। मुद्दे क्या रहेंगे कांग्रेस के? मुद्दे तो कांग्रेस के यही है, वहाँ पे जो है जितना भी है कोई विकास के नाम पे कुछ नहीं हुए, सड़कें का बेहाल है, शिक्षा का बेहाल है, वहीं बेरोजगारी। हरिद्वार में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए 21 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। नामांकन की प्रक्रिया के तहत 27 जनवरी को सुबह से ही राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और संबंधित दलों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का नामांकन के लिए आना शुरू हो गया था। 11 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 22 नामांकन प्रपत्र राजनीतिक दलों ने रिटर्निंग ऑफिसर से प्राप्त किए और 42 उम्मीदवारों ने नामांकन प्रपत्र दाखिल किए। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से प्रदेशवासियों को थोड़ी राहत मिली है, हालांकि कड़ाके की ठंड अभी भी बरकरार है। तमाम चोटियां बर्फ से लदकर अभी भी कई यातायात मार्ग अवरुद्ध कर रही हैं। हालांकि पर्यटक स्थलों पर हिमपात के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक उमड़ पड़े हैं। तापमान में आई गिरावट के कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक कपकपाती ठंड बनी हुई है। ज्यादातर इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। खबर हरिद्वार से है जहां आगामी चुनावों को देखते हुए जिलाधिकारी ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने हरिद्वार की सभी 11 विधानसभा की मतगणना की व्यवस्था का जायजा लेते हुए ईवीएम और स्ट्रांग रूम की अधिकारियों से जानकारी ली और अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि मतगणना स्थल पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। खबर कालाढूंगी से है जहां आज कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेश शर्मा ने कालाढूंगी तहसील से नामांकन पत्र खरीदा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शर्मा के नामांकन पत्र खरीदने पर बाजपुर से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य भी कालाढूंगी पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं महेश शर्मा के साथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस से महेश शर्मा को कालाढूंगी विधानसभा से टिकट मिलने पर निश्चित तौर पर कांग्रेस की विजय होगी। नॉमिनेशन हुआ है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मैं उसका आभार प्रकट करता हूं और पार्टी के द्वारा के अलावा यहां की जनता और यहां के कार्यकर्ताओं ने जो वातावरण बनाया है उसके कारण मुझे टिकट दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसे पिछले वर्षों में मैंने लगातार जनता के बीच में रहकर उनके दुख सुख में शामिल होकर और यहाँ का विकास को प्राथमिकता देकर काम। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।